ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको पितृपक्ष से संबंधित जानकारी दे रहा हूँ। पितृपक्ष कब प्रारंभ हो रहा है, साथ ही पितृपक्ष में किस प्रकार से पूजन करना चाहिए, पितृपक्षों में किस प्रकार से हम पितरों की पूजा करें जिससे हमारी मनोकामना पूरी हो। हिंदू पंचांग के अनुसार पितृपक्ष का प्रारंभ इस बार 10 सितंबर से माना जा रहा है। हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष पूर्णिमा से पितृपक्ष की शुरुआत मानी जाती है। इस साल यह तिथि 10 सितंबर से प्रारंभ होकर 25 सितंबर तक रहेगी। पितृपक्ष का प्रारंभ भाद्रपद मास की पूर्णिमा से होता है और समापन अश्वनी मास की अमावस्या पर होता है। इस अमावस्या को सर्वपितृ अमावस्या कहा जाता है। इसके अगले दिन से नवरात्र प्रारंभ हो जाते हैं, यानी कि नवरात्र इस साल 26 सितंबर से प्रारंभ होंगे। आपको बता दें कि शास्त्रों में पितृपक्ष का विशेष महत्व होता है। पितृपक्ष में कोई भी शुभ कार्य करने की मनाही होती है और ऐसा माना जाता है कि पितृपक्ष में खुशी का कोई भी कार्य करने से पितरों की आत्मा को कष्ट पहुंचता है। इस दौरान शादी, ब्याह, मुंडन, गृह प्रवेश, अन्य जो भी कार्य होते हैं वह नहीं किए जाते। इन बातों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ ही यह भी माना जाता है कि जिन लोगों की कुंडली में पितृ दोष हो वे पितृपक्ष में पितरों को प्रसन्न करने से पितृ दोष से छुटकारा पा सकते हैं, उनके दोष दूर हो जाते हैं। पितृपक्ष में पितरों के निमित्त पिंडदान करने की परंपरा प्राचीन समय से चली आ रही है। कुछ लोग काशी और गया जाकर अपने पितरों का पिंडदान करते हैं। पितृपक्ष में ब्रह्म भोज करवाया जाता है और पितरों के निमित्त दान पुण्य किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि पितृपक्ष में श्राद्धना करने से पितरों की आत्मा अतृप्त रह जाती है और उन्हें शांति नहीं मिलती। इसलिए विशेष रूप से आपको पितरों की पूजा करनी चाहिए। पितृ तर्पण से प्रसन्न होकर अपने परिजनों को सुखी और संपन्न रखने का आशीर्वाद देते हैं। 10 सितंबर पूर्णिमा का श्राद्ध माना जाएगा। 11 सितंबर को प्रतिपदा का श्राद्ध माना जाएगा। 12 सितंबर को अश्विनी कृष्ण द्वितीया का श्राद्ध माना जाएगा। 13 सितंबर को अश्विनी कृष्ण तृतीया का श्राद्ध रहेगा। 14 को चतुर्थी का यानी चौथा श्राद्ध रहेगा। 15 को पांचवा श्राद्ध रहेगा। 16 को षष्ठी का श्राद्ध रहेगा, छठा श्राद्ध रहेगा। 17 को सप्तमी का श्राद्ध रहेगा, सातवां श्राद्ध। 18 को आठवां, 19 को नौवां, 20 को दसवां श्राद्ध रहेगा। 21 तारीख को एकादशी का श्राद्ध रहेगा। 22 को द्वादशी का श्राद्ध रहेगा। 23 को त्रयोदशी का, 24 को चतुर्दशी का और 25 को अमावस्या का श्राद्ध रहेगा। कुछ लोग पितृपक्ष में रोजाना अपने पितरों के लिए तर्पण करते हैं तो कुछ लोग श्राद्ध की तिथियों पर पितरों के नाम से ब्राह्मणों को भोजन कराकर श्राद्ध करते हैं। श्राद्ध के दिन ब्राह्मणों को आदरपूर्वक घर बुलाएं और उन्हें भोजन कराकर यथासंभव दान करना चाहिए। इसके बाद भेंट देकर आदर के साथ विदा करना चाहिए। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए तेल न लगाएं और प्याज लहसुन से दूरी बना के रखना चाहिए। पितृपक्ष में अगर पितृ प्रसन्न हो जाते हैं तो हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है। पितृपक्ष में किए गए सभी उपायों का विशेष लाभ मिलता है। पितृपक्ष में प्रतिदिन पीपल वृक्ष की पूजा करें, पितरों के नाम से तर्पण करें और ब्राह्मण भोजन कराएं, गौ माता की पूजा करें। दोस्तों, जीवन में आ रही सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी और हर मनोकामना पूरी होगी, पितृ दोष दूर होगा। पूर्णमासी का जो व्रत है 10 तारीख का रहने वाला है। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। ओम पितृदेवताभ्यो नमः।